शो स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं फेमस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की। जी हाँ, वो एक ऐसे डांसर है, ऐसे कोरियोग्राफर है कि जब से वो स्टेज पर या स्क्रीन पर आए हैं तब से हर एक बच्चा हो या फिर हर एक बड़ा हो, हर कोई डांस सीखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो गया है। उन्हें लगता है कि हम भी अगर डांस करेंगे और बहुत क्रिएटिव तरीके से करेंगे तो हम भी रेमो डिसूजा बन सकते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको बता देते हैं कि वो भले ही स्क्रीन पर कैसे भी दिखते हो, कितने भी खुश नजर आते हो, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में उतने ही दुख है। यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा शिकार होना पड़ा था रेसिस्ट का। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताते हुए चलते हैं कि उन्हें अपने रंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। लोग कभी भी उनको आते जाते काला या फिर कालू कह दिया करते थे, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते थे। लेकिन वहीं पर उनकी मदर उनका हमेशा सपोर्ट सिस्टम बनी रही। वो हमेशा उनको मोहम्मद रफी का वो गाना सुनाया करती थी, ये काले है तो क्या हुआ दिल वाले है, और ये गाना सुनकर रेमो डिसूजा बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे। और आज के टाइम में उनका सबसे फेवरेट सॉन्ग यही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलते हैं कि आज के टाइम की बात की जाए तो रेमो डिसूजा की जो फैन फॉलोइंग है वो मिलियंस में है। इतने ज्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं, और अभी जो रिसेंटली उनका डांस इंडिया डांस का सीजन आने वाला है उसको लेकर भी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि स्किन कलर के लिए उनको कालू या काले नाम से बुलाया जाता था, और इस बात का खुलासा खुद रेमो ने ही किया था। भले ही उस समय पे उनकी आंखें काफी ज्यादा नम हो चुकी थी, लेकिन वो इस बातों को कहने से कतराए नहीं। रेमो डिसूजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस गाने पर रिमेक किया है और बोला है कि मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर ये गाना हमेशा सुना करता हूँ, और यहाँ तक कि मैं उसको भी कह दिया करता हूँ, और ये गाना मेरा फेवरेट बन चुका है। मैं गाना लिजेल के लिए भी गाता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि रेमो डिसूजा देश के सबसे फेमस कोरियोग्राफर है, और हर कोई चाहता है कि इन्हीं की कोरियोग्राफी हमारे फिल्म के सेट पर फिल्माई जाए। इसके साथ साथ बता दें कि ABCD हो, ABCD 2 हो, या फिर और भी ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें साथ साथ दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरी में यहाँ बात कर लेते हैं जो इनका DID लिटिल चैंप्स आने वाला है, उसमें ये मौनी रॉय और सोनाली बेंद्रे भी है, और इस चीज़ को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है, और इस चीज़ पर क्या कहना है आपका कि किसी भी को कलर, हाइट या किसी भी चीज के लिए पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पे।